सलीम मलिक ने पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद वर्ल्ड टी ट्वेंटी में ठीक ठाक क्रिटिसिज्म किया इमाद वसीम के ऊपर। इमाद वसीम खुद तो कुछ नहीं बोले, इमाद वसीम को डिफेंड करने कौन आया? ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर फॉर्मर बैट्समैन मतलब आंधी तूफान टाइप का क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट। और एडम गिलक्रिस्ट ने जो साड़ा लगाया है ना सलीम मलिक भाई को, थिंग्स आई लव अबाउट क्रिकेट, अंदाज़ा करो। सलीम मलिक ने बेसिकली क्या कहा? सलीम मलिक ने कहा यार कि ये इमाद वसीम ये सेल्फिश खेल है, मतलब उन्होंने ना बातों बातों में कुछ थोड़ा सा ना फिक्सिंग वाली भी झलक दिखाने की कोशिश की कि ये शायद इसने फिक्स किया हुआ या समथिंग लाइक दैट। इमाद वसीम ने 15 रन्स किए थे 23 गेंदों के ऊपर, वो ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ भी हुए थे अपनी इस इनिंग की वजह से, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि चलो और कुछ नहीं तो 15 गेंदों के ऊपर 15 करता, 8 गेंदें नसीम को अगर मिल जाती और तो नसीम शायद हमें मैच जितवा देता। ये बातें हो रही हैं। अच्छा, तो सलीम मलिक ने कहा कि ये जानबूझकर अपनी बैटिंग एवरेज बेहतर करने के लिए शायद इतना स्लो खेला है, मैं इसकी जगह पर होता और मेरे से शॉट्स ना लग रहे होते, रन्स ना बन रहे होते, बाउंड्रीज ना लग रही होती तो मैं बस ठीक है, पर टुल्ले शुल्ले मारने की कोशिश करता, उसमें मैं अगर आउट हो जाता तो ठीक है, मैं एटलीस्ट इतनी बॉल्स तो ना ज़ाया करता। तो इमाद वसीम की जो इनिंग है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फजूल सी थी, उसमें कोई सब्सटेंशियल कुछ भी नहीं था, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि इमाद वसीम की इतनी ज़बरदस्त किस्म की मैच विनिंग इनिंग को अपने चाचा इफ्तिखार साहब वो ट्विटर पर लाइक करते फिर रहे हैं यार। अब वो अब किसी ने कह देना है वो, या चाचा ने खुद आके कह देना वो मैंने नहीं किया, मैनेजर से हो गया, या मेरे भतीजे के मोबाइल में मेरा अकाउंट है उसने लाइक कर दिया, इस तरह की कहानी को नहीं, या गलती ये चलेगा? छक्का तो गलती से लगता कोई नहीं है, फुल टॉस पे भी छक्का नहीं लगता, अंधे को भी फुल टॉस कराओ क्रिकेट में बहुत छक्का मार जाए, चाचा उस पे भी जनाब कैच दे रहा है। अच्छा खैर छोड़ो इस चीज़ को। तो इमाद वसीम को जब ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया ना सलीम मलिक ने, तो एडम गिलक्रिस्ट का इसके ऊपर आगे से रिस्पॉन्स ये आया कि ऑफ ऑल द पीपल, मतलब सार्केज्म तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना, कि जिसका मतलब यह है कि आप भी मतलब इस सब में आप क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये वही वाला, ये बिल्कुल उसी तरह है कि घर में ना खानदान में किसी बच्चे की शादी की बात हो रही हो ना, तो एक ताऊ जी जब कोई मशवरा देने की कोशिश करे ना कि बीवी को ऐसे रखना, बीवी का ये बीवी का वो, तो साथ ही बैठा को बंदा उनको ये कह देता है कि ताऊ जी आप तो रहने दो आप क्यों इसको मशवरे दे रहे हो, आपने आपकी तो बीवी शादी के फौरन बाद ही रुखसत हो गई थी, पर लोग सुधार गई थी, आप किस मुँह से बोल रहे हैं, या आपकी तो शादी के फौरन बाद तलाक हो गई थी तो आपको क्या पता कि बीवी को कैसे रखना है, खुशहाल फैमिली खुशहाल घराना क्या होता है। तो वो ताऊ जी वहीं पर ना कड़ी करके अपने सोफे के अंदर घुस जाते हैं कि नहीं भैया आप यहाँ पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इन बदतमीज़ों को बड़ों का तहजीब इज्जत नहीं करनी आती, इनके अंदर तहजीब तमद्दुन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो एडम गिलक्रिस्ट ने भी ना इसी तरह का वो जिसे कहते हैं ताना मारा कि सलीम भाई आप भी आप तो रहने ही दो। फिर उसने कहा लिखा हुआ कि मैंने सलीम मलिक का इन पर्टिकुलर सुना है, वो कह रहे हैं कि इसने जानबूझकर गेंदें मिस की हैं, इमाद वसीम ने कोई फिक्सिंग वाला भी चक्कर है। तो साथ ही उसने लिखा कि इसके अलावा और भी एलिगेशंस होंगे या इसके अलावा और एलिगेशंस क्या हैं। ये बेसिकली उन्होंने सलीम मलिक के ऊपर बॉल बात जो है ना वो चेपी है। सलीम मलिक के ऊपर क्यों चेपी है? सलीम मलिक का आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पता है, वो तो लाइफ टाइम बैन, वो फिक्सिंग की उनके बारे में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने ऑन रिकॉर्ड आकर बताया कि सलीम मलिक ने उन्हें अप्रोच किया मैच फिक्स करने के लिए, ये वो सारा कुछ। तो सलीम मलिक के ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, इनके ऊपर बैन लग गया, ये जिसे कहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट से इनका दी एंड हो गया। तो एडम गिलक्रिस्ट ने उसी सारी एपिसोड को मद्देनज़र रखते हुए सलीम मलिक के ऊपर ये बात चेपी जो इस पर्टिकुलर टाइम में पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई पड़ी है, मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हो रही है कि एडम गिलक्रिस्ट ने इमाद वसीम के डिफेंस में आकर ये ताना मारा है सलीम मलिक को, और सलीम मलिक के पास इस ताने का कोई जवाब नहीं है। सॉरी टू से, सलीम मलिक के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन जब मैच फिक्सिंग की बात आई तो वहाँ पर सलीम मलिक जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंसे, बहुत बुरे तरीके से। उनके अगेंस्ट टेस्टिमनीज आ गई, उनके अगेंस्ट जिसे कहते हैं एक ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग केस बन गया, और देयर वाज नो वे के वो बच जाते, इवेंचुअली बस फारग हो गए। अब जहाँ तक बात है ना, चले एडम गिलक्रिस्ट ने इमाद वसीम का दिफा किया, सलीम मलिक ने इमाद वसीम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, अगर हम इस इनिंग को देखें ना ज़रा जिसे कहते हैं इमाद वसीम की बैटिंग लाइनअप को, तो उसमें कुछ चीज़ें तो सलीम मलिक की मुझे ठीक नज़र आती हैं कि यार इसने तो पीएसएल में भी ज़्यादा बैटिंग नहीं की थी, तो आपने इसको प्रमोट क्यों किया?
ये बात हो रही है, ये सलीम मलिक ने भी कहा, ये बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि यार इमाद वसीम ने पीएसएल के अंदर इतनी कोई ज़्यादा बैटिंग नहीं की, उसका बैटिंग का कोई बहुत ज़्यादा इन रिसेंट टाइम्स एक्सपोजर है कोई नहीं, तो आपने इतने क्रूशल मैच में आप इसे ऊपर क्यों ले आए इतना ऊपर। अब मुझे लगता है कि वो शायद लेफ्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन डेफिनेटली उसको मद्देनज़र रखते हुए बॉलर्स की लाइन और लेंथ को ख़राब करने के लिए वो इमाद वसीम को ऊपर भेजा गया क्योंकि वो लेफ्टी है। फिर इमाद वसीम ठीक है, उसने रीसेंट टाइम्स में तो वो उस लेवल की उसने बैटिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दी, मतलब इन अ वे के जिसे कहते हैं कि वो रेगुलर बैटिंग करके रेगुलर रन बना रहा हो, लेकिन इमाद वसीम की एटलीस्ट ये रेप्यूटेशन तो है ना कि वो शॉट मार लेता है, वो हिट वगैरह मार लेता है। लेकिन अगर आपको इमाद वसीम की वीकनेस पता लग गई है ना, तो फिर आप इमाद वसीम को बड़े आराम से पकड़ लेते हैं जैसे इंडिया ने पकड़ा। इमाद वसीम का यह है कि वो विकटें छोड़कर ना ऑफ साइड के ऊपर मारने के ज़्यादा चक्कर में होता है, ये आप देखिएगा। इंडिया वालों ने इमाद वसीम को ऑफ साइड के ऊपर मारने ही नहीं दिया, उन्होंने इमाद वसीम पीछे होता था वो इसकी बॉडी को टारगेट करते थे। अब बॉडी को ऊपर बॉल आ रही है, इमाद वसीम कितना पीछे हो जाएगा कि उस बॉल को ऑफ साइड की तरफ खेलेगा। ये इंडिया ने जैसे ही इमाद वसीम ने साइड पर होकर अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश की, बाउंड्री हिटिंग करने की कोशिश की, इंडियन बॉलर्स हैड द एंटीडोट, उन्होंने इमाद वसीम की बॉडी को टारगेट करना शुरू किया। नतीजा इमाद वसीम ठुस, कुछ भी नहीं हुआ उससे, 23 गेंदें खेल ली, 15 रन बनाए। तो लोग यही फिर क्रिटिसिज्म तो बनता है कि यार आपने और रिजवान ने मैच हरवा दिया, आप दोनों ने बॉल्स ठीक ठाक खेली। रिजवान का भी तो यही चक्कर है, उसने भी तो 40-45 गेंदें खेल ली, 30-35 रन किए और मैच के इंतहाई क्रूशल टाइम के ऊपर रिजवान आउट हो गया और इवेंट नतीजा हम इंडिया से हार गए। तो इसमें मेरा ख्याल है इमाद वसीम को क्रिटिसिज्म तो बनता है, लेकिन ये कहना कि उसने फिक्सिंग की है, उसने जानबूझकर की है, वो इसे बेहतर कर सकता था लेकिन उसने बाबर की दुश्मनी में नहीं किया, फलाना टिमकाना जितने मुँह उतनी बातों वाला चक्कर, उस तरफ तो मेरा ख्याल है ना ही जाया जाए तो बेहतर है। अगर सिर्फ इनिंग्स को देखकर उसकी इवेल्यूएशन की जाए तो वो बेहतर है। नीयतों के अब आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ किसी दूसरे की आंख से किसी तीसरे के बारे में ना ज़्यादा सोचें, ना ज़्यादा देखें और ना ज़्यादा कोई फैसला करने की ज़रूरत है। बड़ी डीप बात कर दिया मैंने वैसे यार। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब